पिछले वर्ष से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों की संख्या बिहार पुलिस में बढ़े और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक पद क्रिएट किए जाएं, इसके लिए लगातार प्रस्ताव भेजा गया था। और उसके उपरांत 1 फरवरी 2023 को ईआरएसएस के लिए 7,808 पद तथा 3 फरवरी 2023 को सीधी नियुक्ति के जनसंख्या अनुपात के लिए कुल 48,447 पद और फिर ईआरएसएस फेज टू के लिए 19,228 अर्थात कुल 75,543 पदों की स्वीकृति फरवरी 2023 में हम लोगों को प्राप्त हो गई थी। इन 75,543 पदों के बाद अब इनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है और इनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जानी है। जैसा आप लोगों को पता है, इसी में से 21,000 सिपाहियों की बहाली के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, जिसके क्रम में जो हमारे सिपाही भर्ती चयन पर्षद है उसके द्वारा विज्ञापन भी निकाल दिया गया। अब उसकी रिटर्न एग्जाम और जो उसकी क्वालिफाइंग फिजिकल एग्जाम है उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जब ये इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मी आएंगे तो इनके गुणवत्तापूर्ण उचित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। और दूसरी जानकारी आपको दें कि ये जो नए सृजित पद हैं उसके बाद बिहार पुलिस में पुलिसकर्मियों का कुल स्वीकृत बल लगभग 2,27,000 हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास में 4 ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध है। पहला है बिहार पुलिस अकादमी राजगीर नालंदा, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर है जो सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर भागलपुर, उसके अलावा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र सिमुलतल्ला जमुई में और सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो अब बीसएफ हो गया, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमराव बक्सर में। ये 4 हमारे पास में नोटिफाइड पुलिस ट्रेनिंग संस्थान है। इसमें 3 में सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है और जो राजगीर है उसमें पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इन 4 की संख्या जब हमारी स्वीकृत बल अब 2,27,000 हो गया काफी कम थी। इसके लिए हम लोगों ने गृह विभाग में प्रस्ताव भेजा कि हम लोगों के यहाँ जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बटालियन है यानी मुख्यालय है उन सभी में पर्याप्त परिसर उपलब्ध है, उसी को आप एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता दीजिए और उनको घोषित करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी नियुक्ति और जो आगे हमारा पुलिस का बल बढ़ रहा है उसके कारण अब गृह विभाग के द्वारा अनुमति दे दी गई। इन 4 ट्रेनिंग सेंटर के अलावा 22 अलग अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर अब घोषित कर दिए गए हैं जो सभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बटालियन में शामिल है। दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं सभी वीडियो में आप लोग को एक ही कमेंट रहता है, सर बिहार दरोगा की बहाली कब आएगी, 3 साल से बिहार दरोगा की बहाली नहीं आई है और कितने पदों पर बिहार दरोगा की न्यू बहाली आ रही है। तो दोस्तों देख लीजिए, जितेंद्र सिंह गंगवार सर ने पुलिस मुख्यालय से लाइव आके बताए हैं जो बिहार दरोगा की बहाली कब आ रही है और कितने पदों पर बिहार दरोगा की बहाली आ रही है, पूरे बिहार में कितना ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। 2027 तक आपको हर साल बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हर विभाग के बारे में बताए हैं, 21,391 पद पर जो बिहार पुलिस का भी चल रही है बहाली, इसके बाद फिर से न्यू बिहार पुलिस की बहाली कब आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड की बहाली कब आ रही है, फायरमैन की बहाली कब आई है आ रही है, सारी जानकारी 1x1 करके पुलिस मुख्यालय से गंगवार सर इस वीडियो में बताए हैं जो कि आप लोग वीडियो देखे हैं। तो आप लोग का जो भी सवाल था इस वीडियो में क्लियर हो गया है, जो बिहार दरोगा की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर बिहार दरोगा की बहाली आएगी। फिर से बिहार पुलिस की न्यू बहाली कब आ रही है और कितने पदों पर आ रही है, फायरमैन की वैकेंसी कब आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड की कब आ रही है, स्टेप बाय स्टेप करके गंगवार सर इस वीडियो में बताएं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपका जितना भी प्रश्न था सारे प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जितना हो सके जितना स्टूडेंट बिहार दरोगा के लिए परेशान थे सर बिहार दरोगा की न्यू बहाली कब आएगी, सभी स्टूडेंट के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले जो गंगवार सर बोले हैं जो बिहार दरोगा बहाली कितने पदों पर आ रही है और यह बहाली कब निकल के आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।